हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट अ पोएम प्रोथर्मियम, और ये लिखी है एडमंड स्पेंसर ने। ये जो पोएम है ये भी एक तरह का न्यूपिटल सॉन्ग है। ये दो लड़कियों की मैरिज को शो करता है कि किस तरह से मैरिज हो रही है। और ये पोएम ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसमें 10 स्टैंजाज में डिवाइड है ये पोएम। तो इसको लाइन टू लाइन नहीं, स्टैंजा वाइज इसकी समरी को कवर करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, सो स्टैंजा वाइज इसकी समरी को कंटिन्यू करेंगे। द टर्म प्रोथर्मियम इज़ अ स्पेंसरियन प्रेजेंटेशन इन्वेंटेड बाय स्पेंसर। ये जो प्रोथर्मियम है, इस टर्म को ही स्पेंसरियन प्रेजेंटेशन माना जाता है, और इसको इन्वेंट किया था हमारे स्पेंसर ने, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। दिस इज़ द फर्स्ट न्यूपिटल सॉन्ग, ये पहला न्यूपिटल सॉन्ग है जो उन्होंने लिखा है। एंड दिस पोएम वॉज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग ऑफ टू डॉटर्स ऑफ एडवर्ड सोमरसेट। ये जो पोएम लिखी गई है ये एक ओकेजनल पोएम है। यहाँ पे जो एडवर्ड सोमरसेट हैं उनकी दो बेटियों की एक साथ शादी होती है, और ये जो शादी होती है वो होती है 8 नवंबर 1596 को, और इसी के ओकेजन पर ये पोएम लिखी है इन्होंने स्पेंसर। जो वेडिंग है वो उसकी जो सेटिंग है वो रखी गई है लंदन में, एसेक्स नाम की जगह पर, एसेक्स हाउस कह सकते हैं, जहाँ पे ये जो वेडिंग है वो प्लान किया गया है। पोएम इज़ हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम स्पेंसर ऑन न्यूपिटल सॉन्ग एपिथेलमियम। ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कंपेयर भी होती हैं, क्योंकि जो एपिथेलमियम है वहाँ पे स्पेंसर ने अपनी शादी की बात की थी जो एलिजाबेथ बॉयल से है, और वो 24 आवर्स को प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से एंग्जाइटी है या फिर वो जो लविंग मोमेंट है उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोथर्मियम है, यहाँ पे वो जो सोमरसेट की जो टू डॉटर्स है उनकी मैरिज के बारे में लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोएम की। तो जो पोएम है वो 10 स्टैंजा में डिवाइड है। स्टैंजा वाइज अगर शॉर्टली बात करें, क्योंकि इस पोएम में इतना कुछ है नहीं बताने को, सिर्फ उन दोनों की शादी के बारे में ही होता है। तो जो स्टैंजा वन है उसमें पोएट बात करता है, पोएट इज़ लुकिंग फॉर अ पीसफुल प्लेस। सबसे पहले वो एक पीसफुल प्लेस चाहता है जहाँ पर वो बैठ सके शांति से और कुछ लिख सके। एडमंड स्पेंसर को स्पॉन्सर किया जाता है कि वो एसेक्स में आए और इन डॉटर्स की शादी पे कुछ एक पोएट्री लिखे। तो अब जो पोएट है वो बहुत परेशान है अपने पूरे दिन के जो उसका डेली रूटीन है उसको लेकर। उसको एक काम प्लेस चाहिए जहाँ पर वो बैठ के अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट करे, और जो उसको प्लेस है वो मिल जाता है। यहाँ पे थेम्स रिवर की बात करता है कि वो थेम्स रिवर के पास बैठ के अपना राइटिंग वर्क करेगा। जो इसका सेकंड स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है जब वो थेम्स रिवर के पास बैठा होता है अपना राइटिंग वर्क के लिए। ही सॉ डिफरेंट निम्स मेकिंग बुकेट ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। वहाँ वो देखता है कि जो निम्स हैं, जो नेचर की देवियाँ हैं, वो वहाँ पे उसे दिखाई देती हैं, और वो जो देवियाँ हैं, जो निम्स हैं, वो फ्लावर्स का बुके बना रही हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पॉइंट हैं वो उस खूबसूरती को प्रेजेंट कर रहे हैं जो थेम्स रिवर के आसपास है, जो उसकी ब्यूटी है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैंजा नंबर 3 में वो बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं स्वेंस को विद वाइट एंड ब्राइट बींग्स देन द जुपिटर हु वंस डिसगस्ड हिमसेल्फ एज ब्यूटीफुल स्वैन टू विन हिज लव लेडा। यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं कि उसी रिवर में उन्हें वाइट और ब्राइट विंग्स वाला स्वैन नज़र आता है, और वो इतना खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती इतना खूबसूरत है कि उसको जुपिटर से कंपेयर किया गया है कि वो इतना ही ब्राइट है जितना कि जुपिटर होता है। इसमें लव वर्ड्स लेडा की भी बात की गई है। जो स्टैंजा नंबर 4 है उसमें पोएट लिखते हैं और बोलते हैं, निम्स आर कॉन्टिन्यूसली स्टेयरिंग एट द स्वैंस विच लुक्स लाइक द चैरिट ऑफ द गॉडेस वेनस। यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो जो स्वैंस हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, दिखने में इतने अट्रैक्टिव हैं कि जो निम्स हैं, जो नेचर की देवियाँ हैं, वो कंटिन्यू स्टेयर करती हैं, उनको कंटिन्यू घूरती हैं, या फिर हम कह सकते हैं देखती हैं, जो उनकी चमक है स्वैंस की वो गॉडेस वीनस की तरह नज़र आती है, बिल्कुल चमकदार, शाइन ब्राइटली। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, निम्स हैव थ्रोन फ्लावर्स इनटू द रिवर एंड इंचेंटिंग वेडिंग सॉन्ग एडॉर्न इट लाइक वेडिंग चैम्बर फॉर द ब्राइड। यहाँ पे जो निम्स हैं जो फ्लावर्स को कलेक्ट कर रही थी, अब वो फ्लावर्स को कलेक्ट करना छोड़ देती हैं और एक वेडिंग सॉन्ग गाना शुरू कर देती हैं। वेडिंग सॉन्ग क्यों गा रही हैं, क्योंकि जो
सोमरसेट की जो डॉटर्स हैं उनकी शादी है, इसीलिए वो वेडिंग सॉन्ग को गा रही हैं। यहाँ पे जो स्पेंसर हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक नेम्स को दिखाया है कि वेडिंग सॉन्ग गाते हुए, और दूसरी साइड उन्होंने यहाँ पे जो वेडिंग सॉन्ग है वो किसको डेडिकेट किया है, सोमरसेट की टू डॉटर्स को जिनकी शादी होने वाली है। स्टैंजा नंबर सिक्स जो है उसमें पोएट इज़ मेकिंग विशेज़ फॉर द कपल टू लिव लॉन्ग विद लव एंड केयर एंड गिविंग दैम ब्लेसिंग्स फॉर अ फॉर्चुनेट मैरिज लाइफ। यहाँ पे जो पोएट हैं वो विश देते हैं उन दोनों लड़कियों को, उन दोनों कपल्स को जिनकी शादी हो रही है, किसके लिए, उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए कि वो खुश रहें, वो हैप्पी रहें। गिव बर्थ टू चिल्ड्रन विच विल बी थ्रेटन एज द इमॉर्टल पीपल। यहाँ पे पोएट बात करते हैं कि आगे जाकर ये दोनों जो कपल्स हैं वो अपने अपने बच्चों को जन्म देंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर हम डे टू डे लाइफ की भी बात करें, अगर हम क्रिटिकली अप्रिसिएशन की बात करें इस स्टैंजा की, तो यहाँ पे आपने देखा होगा जब किसी न्यूली कपल की शादी होती है तो जब रिश्तेदार आते हैं या घर परिवार वाले होते हैं वो इसी तरह की ब्लेसिंग्स देते हैं ब्राइड और ग्रूम दोनों को कि उनकी जीवन के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए इस तरह की उनको दुआएँ दी जाती हैं। जो स्टैंजा नंबर सेवन में देखिए, रिवर ली फ्लोइंग विद हैप्पीनेस एंड एवरीवन इज सो हैप्पी हेयर। ये जो लोकेशन थी एसेक्स की, ये थेम्स रिवर और बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में थी। यहाँ पे वो ली रिवर को भी प्रेजेंट करते हैं पोएट कि जो वो फ्लो कर रही है वो बहुत हैप्पी है, उसकी जो फ्लोइंग है उससे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, और जो लोग हैं जो यहाँ पे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंजा नंबर एट की, तो यहाँ पे पोएट इज़ गिविंग एवरी डिटेल ऑफ द प्लेस। यहाँ पे वो इस स्टैंजा के अंदर उस प्लेस की डिटेल देता है कि वो प्लेस कहाँ पे है, किस तरह से नदियों के बीच में है, वो कितना ब्यूटीफुल है, इसकी वो बात करता है। स्टैंजा नंबर नाइन में विनस ऑफ द वेडिंग इज़ द कैस्टल ऑफ अर्ल ऑफ एसेक्स विच इज़ थ्रेटन इज एवरी कंट्री स्पेशल फॉर स्पेन। यहाँ पे वो इस वेडिंग प्लेस के बारे में, स्टैंजा नंबर नाइन में वो वेडिंग प्लेस के बारे में ही बताते हैं कि जहाँ पे ये एसेक्स है वो किस तरह से स्पेशल है, किस तरह से फेमस है, जो कि स्पेन में है। यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि हर कंट्री में, हर स्टेट में एक ऐसा प्लेस होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए या फिर मैरिज सिस्टम के लिए। लास्ट स्टैंजा जो इसका स्टैंजा नंबर 10 है, यहाँ पे भी वो बात करते हैं कि जो मैरिज ऑफ अर्ल ऑफ सुसेक्स कमिंग विद टू हैंडसम एंड चार्मिंग ट्विंस। यहाँ पे दो जो चार्मिंग ट्विंस हैं जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, उसकी वो एक तरह से तारीफ़ करते हैं या उसके बारे में ही बात करते हैं। इस तरह से शादी हो जाती है और ये जो पूरी पोएम है ये उस जो जगह है एसेक्स उसकी ब्यूटी को लेके लिखी जाती है, श्रद्धा जो वहाँ पे रिश्तेदार हैं उसको लेकर, नेम्स को लेकर, नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर, जो थेम्स रिवर है उस पे, जो ली है उस पे, और जो फ्लावर्स हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इन सब को ही डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर बताया जाता है कि किस तरह से जो लोग हैं वो जो मैरिज फंक्शन में इतने हैप्पी होते हैं, इतने जॉयफुल होते हैं। इस तरह से ये पोएम ख़त्म हो जाती है। ये एक तरह की मैरिज पोएम है और ये इनको स्पेंसर ने इसलिए लिखी क्योंकि इनको स्पॉन्सर किया गया था कि आप आइए और एक मैरिज पोएम लिखिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और बातें जानते हैं प्रोथेल्मियम में जो कि बताई गई हैं। द प्रोथेल्मियम पोएम मेनली कन्फेस इट्सेल्फ ओनली फॉर डिस्क्राइबिंग द वेडिंग। यहाँ पे बेसिकली उस वेडिंग को डिस्क्राइब किया गया है जो एसेक्स हाउस में है। दिस पोएम इज़ इंचांटेड इन मॉर्निंग फॉर अ फ्यू आवर्स। आपने देखा यहाँ पे सिर्फ कुछ घंटों के बारे में इस पोएम में लिखा गया है, जबकि हमने जब एपिथेल्मियम कंप्लीट की थी तो उसमें 24 आवर्स के बारे में लिखा गया था। एपिथेल्मियम पोएम एक्सप्रेस एन एलेबोरेट स्ट्रक्चर ऑफ टू ब्राइड आर कंपेयर्ड टू टू ब्यूटीफुल स्वेंस। इस पोएम में कंपैरिजन किया गया है, वो जो ब्यूटीफुल ट्विंस ब्राइड थी उनका कंपेयर किया गया है, उनको कंपेयर किया गया है ब्यूटीफुल स्वेंस के साथ कि वो इतने चमकदार हैं जैसे कि जुपिटर हो, और या फिर कभी उनको वीनस के साथ कंपेयर किया गया है। इट इज़ कंपेयर्ड विद द रोमन क्लासिकल मिथ ऑफ जव एंड लीडा। यहाँ पे जव और लीडा जो कि रोमन के क्लासिकल मिथ हैं, जो कि लवर होते हैं, इनका कंपैरिजन भी किया गया है, इनकी खूबसूरती का कंपैरिजन किया गया है इन दोनों डॉटर्स की, जव और लीडा के साथ। तो इस तरह से जो प्रोथेल्मियम पोएम है वो ख़त्म हो जाती है, इसकी समरी और इसका एनालाइज।
If you like the poetry, so like, share and subscribe us. Be with us. Goodbye and take care, friends.